स्टार्ट कर दिया। सर्च कर दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा हमारे ललित सर से। ललित सर आज यहीं पर अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं आपको 10 से 15 मिनट का सेशन ललित सर आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम ललित सर से मिलते हैं और फिर उसके बाद हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून ललित सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर गौतम जी। बिल्कुल, तो आज संडे गुड है और आज से हम लोग हमारे लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और जैसा है आपको पता है कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ लोगों से लाइव ट्रेनिंग के लिए कमिट नहीं किया था, लेकिन मेरा प्लान ये है कि जो मेरे से जुड़ा है ना वो अच्छा प्रॉपर वर्क करे, उसको नॉलेज की कमी की वजह से या मेरा एक्सपीरियंस नहीं देने की वजह से पीछे नहीं रहे, ताकि आप अपने डाउट्स को प्रॉपर वे में क्लियर कर पाएँ। मैं अपनी एक्सपर्टीज़, हमारे जो सर हैं वो भी आपको अपना पूरा नॉलेज देंगे, नितिन सर, राइट? तो आज मेरा कोई वेबिनार भी नहीं था, तो सर ने कहा कि सर आज लाइव सेशन रखा है क्लासेस का, तो मन की चलो वेरी गुड, 10 से 15 मिनट ओपनिंग मैं कर देता हूँ, फिर बाकी का सारा नितिन सर आपको कंप्लीट डाउट को क्लियर करते रहेंगे, राइट सर? तो डिस्कस हम लोग ये करेंगे कि आप लोगों को हम लोगों ने किट डिस्पैच की है, तो आप में से कुछ लोगों को तो शायद अभी किट मिला भी नहीं होगा जिनका आज या कल में गया है, और बाकी का कुछ लोगों को तो ऑलरेडी किट मिल चुका है। तो किट मिलने के बाद आपको बुक्स में प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस को देखा भी होगा जिनको एक्सेस मिल चुका है, राइट? तो फिर हम लोग लाइव सेशंस क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे तो क्या होगा कि आप लोगों ने जो भी हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे वीडियो मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं ताकि आपको बेटर में लर्निंग दे पाऊँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट रह सकते हैं, हालांकि मैंने डाउट के लिए आप लोगों को नंबर दिए हुए दीपक सर के हैं, और अब तो आज आपसे नितिन सर टच में आ जाएंगे तो आप नितिन सर के भी नंबर ले लीजिएगा, राइट? तो आपके पास अगर नितिन सर के भी नंबर होंगे तो अब आपके पास क्या होगा कि दीपक सर का और नितिन सर के दो नंबर होंगे आपके पास, तो कभी भी कुछ डाउट्स हो तो आप उनको व्हाट्सएप कर दिया करना, राइट? और वैसे तो मेरा मानना ये है कि आप एक लेवल कंप्लीट करें और अपने सारे डाउट्स को आप नोट करते जाएं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो ना आपके, उनको सारे क्वेश्चंस को एक साथ सेंड करें तो ज़्यादा इजी रहता है, राइट? क्योंकि अगर आप वन बाई वन अगर क्वेश्चंस को देंगे तो कभी कभी टीचर को भी दिक्कत आती है, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन करें तो पूरा कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करके अपने डाउट्स को नोट करके रखें ताकि एक साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएं, और लाइव सेशंस में भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो अब हमारा जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कि पहला है आपका लर्निंग, कि अभिकास वैदिक मैथ जो भी आपने प्रोग्राम लिया है पहले उसका लर्निंग, उसका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड, आपका सेटअप कैसा होना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, क्योंकि तो हमें दोनों मोड पे जाना है, ऐसा नहीं कि केवल ऑफलाइन ही रखना है, नहीं, हमें ऑनलाइन भी जाना है ऑफलाइन भी जाना है, राइट? हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो आप ऑफलाइन से स्टार्ट करें, ताकि बच्चों को टीच करने के बाद आपके पास कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा और कुछ रिजल्ट्स भी होंगे। और नेक्स्ट हमारा पोर्शन रहेगा मार्केटिंग का, तो हम लोग 3 पार्ट पर बात करेंगे, आपका नॉलेज, आपका सेटअप और आपकी मार्केटिंग, राइट? तो सेटअप और मार्केटिंग दो का सेशन तो मैं ही आप लोगों का लूंगा, और पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केवल लर्निंग पर, कि एक्चुअल में पहले आप अभिकस के लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक कंप्लीट होना चाहिए, और आज आपका ट्रेनिंग होगा लेवल 1 का, राइट? तो लेवल 1 की ट्रेनिंग के बाद आपको बुक्स में प्रैक्टिस भी करना है और अपने डाउट्स को नोट करके भी रखना है, और जिनको किट नहीं मिली है उनको जैसे किट मिलेगी वैसे ही आप मेरे वीडियो को एक्सेस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? क्योंकि वीडियोज भी हम लोगों ने इतने लंबे टाइम तक टीचर्स को, स्टूडेंट को टीच करने के बाद ये सब रेडी किए हैं, ताकि आप लोगों को बेटर नॉलेज मिल पाए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पूरा बिजनेस है ना सर, ये नॉलेज बेस्ड है, हम बच्चों में जितना अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट दे पाएंगे, हम जितने अच्छे रिजल्ट डेवलप कर पाएंगे स्टूडेंट में, हम उतना ही अच्छा बिजनेस को लेके जा सकते हैं। क्योंकि
फर्स्ट में क्या होगा कि आपका 6 मंथ आपकी कमिटमेंट पे निकल जाएगा कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, बच्चों में ये रिजल्ट डेवलप होगा। लेकिन 6 मंथ के बाद क्या, इसका मीन्स है कि आप लोगों को रिजल्ट डेवलप करना ही होगा, और रिजल्ट डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर लर्निंग और प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी सारे टीचरों को देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, मेरा पहला लेक्चर वीडियो देखा उन्होंने, फर्स्ट पेज ओपन किया, अब फर्स्ट पेज में अबाउट मान लो 45 क्वेश्चन है, वो 5-10 क्वेश्चन करेंगे, उनको लगेगा ये तो समझ में आ गया, अब क्यों मैं पूरा पेज करूँ, वो नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, राइट। मैं काफ़ी लोगों को तो ये भी देखता हूँ कि लेवल वन का 2 बुक्स जो दिया है ना हम लोगों ने, ए और बी, उनको तो फिल किया ही नहीं है, और वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं 5th लेवल और 4th लेवल के, जबकि आपको पता है आप जो फर्स्ट लेवल कंप्लीट करेंगे वो स्टूडेंट के लिए तो 3 मंथ का होने वाला है, और बच्चों को भी वही सेम बुक्स ही हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं जो बुक्स हमने आपको दिया है। इसका मीन्स है कि वो एक एक क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे बच्चे अटकने वाले हैं। और फिर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस को रॉन्ग प्रिंट करते हैं। अब रॉन्ग प्रिंट क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि अभी आपने देखा होगा कि लेवल वन में जिनने वीडियो एक्सेस कर लिया उनको थोड़ा सा नॉलेज हो ही गया है कि कोई भी एडिशन सबट्रैक्शन अगर आप अभिकस्मक करते हैं ना तो 4 फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड एंड कॉम्बिनेशन, राइट। अब होगा क्या कि बच्चों को हम लोगों ने स्मॉल फ्रेंड कंप्लीट कराया, अभी बिग फ्रेंड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्मॉल फ्रेंड के बीच में हम लोगों ने एक क्वेश्चन बिग फ्रेंड का दे दिया। अब होगा क्या, बच्चा जब अपनी टूल पे करेगा, एक्चुअली उसने बिग फ्रेंड तो समझा नहीं है, अब समझा नहीं है तो वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, और आपसे पूछेगा कि मैम ये सर ये क्वेश्चन तो मेरे से हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है बच्चे ने टूल से ही किया है। अगर बच्चे ने टूल से नहीं किया और फिंगर पे काउंट करके अगर आंसर लिख के लेके आया है ना, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा बिग फ्रेंड है कौन सा स्मॉल फ्रेंड है, राइट। तो इसलिए आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। जब आप स्मॉल फ्रेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा ये क्वेश्चन तो स्मॉल फ्रेंड से होगा ही नहीं, इसका मतलब है सर ने इस क्वेश्चन को दिया है, तो यहाँ भी स्टूडेंट अटकना चाहिए, वरना हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि बच्चे ने घर पे टूल से किया है कि फिंगर पे किया है। हालांकि हम लोग क्लास के अंदर ही बच्चों को टूल पे कराते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो हमको रिजल्ट लाकर देती है। लेकिन उससे पहले हम बच्चों को जब भी मोटिवेट कर पाएंगे, जब आप खुद मोटिवेट होंगे और आप खुद भी एक स्टूडेंट की तरह लर्निंग करेंगे, तो आप लेवल वन का ए और बी दोनों बुक को फिल करेंगे, राइट, और खुद ही चेक करेंगे उन बुक को। हम आंसर की भी इसलिए नहीं देते, आंसर की सब रहती है हमारे पास, हम देते ही नहीं है आंसर की, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखें, दोनों बुक को आप फिल करें, खुद आंसर निकालें, और बच्चों को जब ये बुक प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों को भी सेम इन्हीं बुक से आपको बुक को चेक करना है, यानी आपके लिए ये बुक आंसर की का काम करने वाली है, क्योंकि बार बार आप काउंट तो करोगे नहीं बच्चे ने क्वेश्चन सही किया है या रॉन्ग किया है, आप अपनी बुक से टैली करने वाले हैं। और जब आपके पास 100 से ऊपर स्टूडेंट निकल जाते हैं ना, तो आपको अपनी टीम को बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको टीचर्स को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, इसलिए आप सारी प्रैक्टिस करके रखें। ये मैं बार बार, मेरा पूरा जो 5 मिनट का जो स्पीच था उसका मेन मोटो, मेरा मेन सेंट्रिक जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि आप प्रैक्टिस करें, केवल वीडियो देखकर 4 या 5 क्वेश्चन को करके नहीं छोड़े सर, ये मोस्ट ऑफ टीचर करते हैं। लेवल 4 का प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी 2 और 3 का तो उन्होंने 10 पेज भी नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करो, आलस नहीं करना है आप लोगों को, ये विशेष मैं तौर पर बता रहा हूँ अगर एक्चुअल आप इस बिजनेस में रहना चाहते हैं तो, राइट। तो जो लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते उसके पीछे यही होता है कि उनको जल्दबाजी बहुत होती है, वो चाहते हैं सब कुछ मैं कर लूँ। अब क्यों करना है आपको जल्दबाजी, जब आपको लेवल 1 बच्चों को 3 मंथ में कंप्लीट करना है ना, तो अगर आपको 1 वीक भी लगे एक लेवल को कंप्लीट करने में, अगर टाइम का इशू आपके पास कि मुझे जॉब जाना है, घर को मैनेज करना होता है, या अभी कुछ और जॉब है जिसको आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, नो इशू, आपको अपना एग्जिस्टिंग कोई भी वर्क छोड़ना नहीं है जब तक आपका एक बेस खड़ा ना हो जाए। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था,
और मेरी पूरा जो घर चलता था वो केवल 6,000 मेरी सैलरी पे चलता था। लेकिन मैंने स्कूल की जॉब को नहीं छोड़ा जब तक मेरे पास 100 स्टूडेंट मेरे सेंटर पे नहीं हो गए थे, राइट? क्यों? क्योंकि लेवल वन में अगर 100 बच्चे आए ना तो डेफिनेट नेक्स्ट लेवल में 2 से 3 बच्चे ड्रॉप आउट हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो कंप्लीट 100 करके निकलेंगे। हालांकि बच्चों को आप मोटिवेट करने के लिए हम और भी काफ़ी सारी क्लास की एक्टिविटीज़ है जो हम लोग कराते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज हम मेरा मेन कहने का उद्देश्य यही था कि आप सर की कॉपी करें। कॉपी मतलब आप सीख तो रहे हैं, वीडियो से भी सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन सर आपको अबेकस कैसे सिखाते हैं, वैदिक मैथ कैसे सिखाते हैं, आपको कैसे आपको अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी कॉपी करना है आपको, ये ऑब्जर्व करना है कि सर ऑनलाइन कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे ही आपको भी ट्रेनिंग देनी होती है स्टूडेंट को। हालांकि हमारा एक कुछ सेशन एक अलग होगा जिसमें मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो बस आज मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य यही था, आप मोटिवेटेड रहें, प्रैक्टिस करें और अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। तो याद रखना अपना बिजनेस 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। पहला लर्निंग, क्योंकि लर्निंग जितना अच्छा होगा आप बच्चों को उतना ही अच्छा टीच कर पाएंगे। सेकंड चीज़, आप अपना सेटअप, सेटअप इन द सेंस कि आपको ये सेट करना पड़ेगा कि ऑनलाइन टीच करना है या मुझे ऑफलाइन करना है। और मेरा मानना है कि आप ऑफलाइन स्टार्ट करें। ऑफलाइन इसलिए करना है, अगर आपके पास लगता है कि अभी मैं रेंट पर बिल्डिंग नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो उसके पीछे ऑप्शंस है। चाहे आप अपनी कॉलोनी के कुछ बच्चों को आप कम फीस पर लेकर अपने घर पर होम ट्यूशन की तरह पढ़ाएं। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट का लेवल वन आप बिना सेटअप के भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस बात को एग्री करेंगे कि कभी कभी हमको सीखने से इतना सीखने को नहीं मिलता जितना टीच करने से मिलता है। आप किसी टॉपिक को अगर बच्चों को टीच कर देंगे ना, बच्चे सीखे ना सीखे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा होता है। इसलिए फर्स्ट बैच चाहे कॉलोनी का लेना पड़े, घर से टीच करें, ऑफलाइन करें, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, फिर आप ऑनलाइन जाएं। और फिर अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन में आपके पास प्लेस का दिक्कत है, तो उसके पीछे रीज़न है, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैंने किया था। मैंने क्या किया था कि उस समय जब 6,000 का तो जॉब था, और जब मैंने अपनी बिल्डिंग का रेंट पता किया सिटी में, तो 8-9 हज़ार रुपये बिल्डिंग का रेंट था, मैं रिक्स नहीं ले सकता था। अब तो खैर पेरेंट्स बहुत अवेयर है अबेकस से, लेकिन 10 ईयर पहले अबेकस के बारे में हमारे एरिया में, छोटा एरिया है, लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, अवेयर ही नहीं थे। बहुत बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती थी, 30 से 40 मिनट तक काउंसलिंग करनी पड़ती थी, और पेरेंट्स को मैं कैसे समझाता था, इसका भी काउंसलिंग वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है, और आपको कोर्स के अंदर एक्सेस भी दिया हुआ है कि पेरेंट्स को 30 से 40 मिनट कैसे समझाएं, राइट? तो पूरा स्पीच देखिएगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से अपनी लोकल लैंग्वेज में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि असफल होने की वजह से सफल होने का प्रयास ना करना भी एक मूर्खता ही है। ऐसे ही हम टीचरों को समझाते हैं कि देखो असफल होना बिजनेस में लाजमी है, होते हैं बिल्कुल, लेकिन असफल होने के डर से प्रयास ही नहीं करें, ये सबसे बड़ा कमी रहती है। इसलिए मेरा मेन ऑब्जेक्ट है आप लोगों को वीडियो देने के बाद भी कि आप इस नॉलेज को केवल अपने तक लिमिटेड नहीं रखें और बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे 2 बच्चों से करें, 4 बच्चों से करें, लेकिन करें आप। क्योंकि जब आप पहला बैच बच्चों को पढ़ा लेंगे तो बच्चों के साथ साथ आपको बहुत एक्सपीरियंस होने वाला है, राइट? फिर उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मेरे को ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। ऑफलाइन में जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं अपना रेंट पे नहीं कर पाता था, 8,000 बहुत ज़्यादा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्डिंग को रेंट पर लेने के लिए। तो मैंने अपने टाउन के अंदर एक प्ले ग्रुप को देखा, एक प्ले ग्रुप स्कूल चलता है जो नॉर्मली 8 से 2 बजे तक उनका स्कूल होता था, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती थी, राइट? देखा भी होगा आपने कई वीडियो में, मैंने इसका डिस्कस भी किया है, बहुत डिस्कस किया है। कभी कभी हमारे जो स्टाफ मेंबर है ये भी डिस्कस करते हैं उसका, कि अगर आपको लगता है कि रेंट पर नहीं ले सकते तो किसी ना किसी प्ले स्कूल के साथ आप एसोसिएट हो जाइए। आपको परसेंटेज देना पड़े तो दीजिए आप, ठीक है? क्योंकि आपको ना बिल्डिंग का रेंट देना है, ना फर्नीचर लेना है, ना पंखा लेना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो आप उनके साथ एसोसिएट होकर आप बिजनेस करें आप, राइट?
तो इससे क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट का आपका जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होगा तो हो सकता है कि स्कूल्स में आने वाले कुछ बच्चे आपको मिल भी जाए, राइट। तो इसलिए आपको सोचना है कि मुझे इस बिजनेस में कैसे आना है, राइट। तो फिर आपको आज आपका लेवल वन का लर्निंग होगा, आपको प्रैक्टिस करना है, फिर लेवल टू का हम लोग डेट देंगे, तो लेवल टू की प्रैक्टिस होनी है। तो आज जिन लोगों के पास 5 या 10 डेज पहले मेटेरियल पहुंच गया है, राइट, तो अब उनको लगेगा कि मैं लेवल 3 का क्वेश्चन पूछूं, लेवल 4 का पूछूं। नहीं सर, आपको लेवल 1 के अलावा कोई भी क्वेश्चंस को आपको नहीं बताएंगे, राइट। क्योंकि आप एक या दो पर्सन की वजह से, अभी अब साथ 15-20 लोग होंगे तो सभी लोगों को फिर प्रॉब्लम आएगा, वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमने लेवल 1 के लिए ही रखा है, ताकि लेवल 1 और लेवल 2 जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि पहले बच्चा 6 मंथ लेवल 1 लेवल 2 से निकलने वाला है और इसी के बेस पर ही आपका रिजल्ट डेवलप होने वाला है, राइट। तो अभी सारी चीजों को हम लोग सिस्टम बाई सिस्टम तरीके से सीखेंगे, और आपको जहां भी कुछ प्रॉब्लम आए सर से डिस्कस कर सकते हैं। तो काउंसलिंग से रिलेटेड सेटअप कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, फेसबुक पर आपको क्रिएटिव एक डिजाइन बनानी है तो वो कैसे बनाएं आप, क्योंकि आप फेसबुक पर जब एड रन करेंगे तो आपका जो कॉपी राइटिंग है, आपके जो स्टेटमेंट्स है, आपका जो डिजाइन है, आपका जो स्टेटमेंट है, उसको देखने के बाद ही लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जब आपके पास आएंगे तो फिर आप प्रॉपर वे में उनको फोन पर कैसे काउंसलिंग करोगे, फिर उन्हें सेटअप पे अपने सेंटर पे बुलाकर कैसे काउंसलिंग करोगे, बैच मैनेजमेंट कैसे करोगे, इस पे हम लोग एक अलग से ही सेशन लेंगे, क्योंकि तो ये करीब मेरा 2 घंटे का सेशन चलेगा, तो वो सेशन में आपका अलग ही लूंगा मैं, राइट। तो इसलिए आज हम लोग केवल लर्निंग पर फोकस करने वाले हैं, और उसके बाद जो अदर मैटर्स है, सेटअप, ऑनलाइन ऑफलाइन और मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तब तक लीड जनरेट नहीं होगी, आपके सेटअप पे लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो एडमिशन कम होंगे, राइट। क्योंकि हमें हमेशा बाद में रिजल्ट की नहीं करता हूँ, मैं अपनी टीम से भी यही बात करता हूँ, हमेशा एफर्ट्स की, बिल्कुल एफर्ट्स की। क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिजल्ट की आशा तो रखते हैं, होप तो रखते हैं, लेकिन उतना वो एफर्ट्स नहीं डालते, राइट। अभी मैं कुछ एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका कपड़े का शोरूम है, तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो वो बोल रहे थे सर ललित, इस कोरोना के बाद हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो गया। तो मैंने कहा आप कब आते हो आप अपने शोरूम पर, तो उन्होंने बोला सर पहले तो मैं 10 o'clock आता था, अब तो मैं 9 o'clock आ जाता हूँ, और 1 घंटे में शाम को ज्यादा लेट जाता हूँ, 9 o'clock पे जाता हूँ, पहले मैं 8 o'clock पे चला जाता था, राइट। तो मैंने उससे एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि पहले ऑटोमेटिक कस्टमर आपकी दुकान पे आते थे, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट अपनी पूरी की पूरी सीरीज दिखाते थे, लोग उनको पसंद करके ले जाते थे, लेकिन आपकी दुकान पर फुटवर्क कम हो गया है, लोग कम आ रहे हैं, इसलिए कम सेल हो रहा है। तो आप लोगों को अपनी शॉप पर लाने के लिए, अपनी दुकान पर लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप बताइए। इस वीक आपने कौन कौन से ऐसा एफर्ट्स किया है जिससे लोग आपके पास आए और आपकी प्रोडक्ट की जानकारी ले। उनका नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले भी नहीं करता था मैं, और मार्केट में मेरी शॉप है, लोग आते हैं और मेरे शॉप के पास आते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आप पहले जैसा करते आएंगे ना और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो डेफिनेट है कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप पहले से कोई कोचिंग ट्यूशन कुछ ना कुछ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपने एफर्ट्स घटा दिया है ना तो बच्चे का एडमिशन भी कम होने वाला है। इसलिए अब वो एफर्ट्स क्या होने चाहिए, अब आपके माइंड में आएगा ठीक है सर हम एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा एफर्ट्स हम लोग डालेंगे, लेकिन वो एफर्ट्स है क्या, वो मेथड्स है क्या मार्केटिंग की जिससे लोग आपके पास आए। तो हम दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे हमारे नए सेशन में, कि लोग आपके पास सेंटर पे आए उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो लगभग मैं आपको 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने अपने सेंटर पे यूज किए बच्चों को लाने के लिए और टीच करने के लिए, राइट।
तो वो सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, आप कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग खुल के डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन वो सेलिंग का पोर्शन है कि लोगों को आपका अपना प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों को लाना है, वो सेकंड चीज है। पहला है आपका लर्निंग, जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से हर एक एक क्वेश्चन को समझना है, लेकिन आप केवल क्वेश्चन आप केवल लेवल वन से रिगार्डिंग ही पूछे, लेवल टू का डिस्कस नहीं करें अभी सर, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, लेवल टू छोड़िए, लेवल वन के अंदर सर आपको आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे ना, डायरेक्ट का अगर टीच करेंगे और आप स्मॉल फ्रेंड का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे। पहले डायरेक्ट टीच करेंगे, फिर स्मॉल फ्रेंड, फिर बिग फ्रेंड, देन कॉम्बिनेशन। और अभी हाँ, अभी आप में से कुछ लोगों को, दो या तीन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी किट अभी शायद उनको रिसीव नहीं हुई है, तो उनके पास ना तो टूल है ना बुक्स है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को भी बुला लिया है ताकि करीब 15-20 लोग आ जाए। बाकी ट्रेनिंग तो हमको 10 लोगों के लिए रखनी थी, लेकिन हमने कहा ठीक है, जब ट्रेनिंग रख ही रहे हैं तो हम 5-10 लोगों को और इनवाइट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले और आपको लगे कि जो पेमेंट आपने दिया है ना, उसका वैल्यू ऑफ मनी आपको मिले, आपको लगे कि हाँ बाकी हम लोगों ने नॉलेज दिया है। देखो, सीखने को आपको बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको उतना ही सीखना है जो आपकी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे, राइट। तो अभी आपको सर स्टार्ट करेंगे लर्निंग, लेकिन ध्यान रखना आपको सीखना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दो चीज़ें, अभिकस तो सीखना ही है, साथ में आपको ये सीखना है कि सर एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, सर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको नोटिस कीजिएगा, राइट। और आपको मैंने अपना LMS का यूजर नेम पासवर्ड भी दिया हुआ है, तो आपको अपना फेस भी दिखाने की जरूरत नहीं है या लाइव टीच करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे वीडियोज को रिप्रेजेंट करना है, उसको म्यूट कर देना है, अब वीडियो मेरा रन होगा और वॉइस आपका जाएगा, वीडियो रन मेरा होगा स्क्रीन पर, वॉइस आपका जाएगा। ऐसे आपको टीच करना है जिससे आपको कोई कोर्स रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये होगा कैसे, वो सर आपको टीच करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि सर कैसे आपको टीच कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको करना है, क्लियर। तो ये आपका पहला सेशन है, और हमने इसको 1 बजे के बाद इसलिए रखा था क्योंकि संडे है, मॉर्निंग में काम रहता है, आप लंच करके बैठे होंगे, राइट, और प्रॉपर वे में सिटिंग अरेंजमेंट करके बैठिएगा, लेट कर इस प्रकार से सोकर मत देखिएगा, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं है। अब ये सब चीज़ों के लिए, लेट कर सुनने के लिए तो मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे ही रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी एनर्जी रखिएगा आपको, राइट। और जितना आप एनर्जी रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही अच्छा सीखेंगे और उतना ही अच्छा बच्चों में रिजल्ट भी डेवलप करेंगे, राइट। तो हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं, तो अभी नितिन सर आपके सामने आएंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले अगर कुछ मेरे से बात करना है, किसी को कुछ पूछना है, तो 5 मिनट पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं नितिन सर। तो जिनको पूछना है अपना अनम्यूट करके कुछ बात कर सकते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून भावना मैम। हाँ सर, कुछ नहीं, मैंने बच्चों को अभी पढ़ाना तो शुरू नहीं किया, पर मन में डर है कि मतलब मैं सिखाऊंगी तो उनको मेंटली आ जाएगा क्या इतने जल्दी जल्दी, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो मैम, भावना मैम, जब मैंने 10 ईयर पहले स्टार्ट किया था ना, उस समय तो ना ही तो यूट्यूब पे वीडियो हुआ करता था, ना मेरे पास बच्चे थे, और हमारे यहाँ तो लोग जानते नहीं थे अभिकस है क्या, राइट। अब तो क्या हो गया है मैम कि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर है जहाँ पर बच्चों के डेमो हजारों वीडियो है, और पेरेंट्स जानते भी हैं। इवन अगर आप बच्चों को किसी स्कूल में टूल भी दिखाओगे ना, तो 50% से ज्यादा बच्चे पहचानेंगे इट इज ए अभिकस टूल, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है कि लोग जानते हैं कि अभिकस टूल क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और उनके रिजल्ट भी फड़े हैं। तो इसलिए मैं ये हमेशा ही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अब जितना बिजनेस करना आसान है वो पहले नहीं था, और क्योंकि बस अंतर इतना है कि हमको सही स्ट्रेटेजी सही तरीके से यूज करना है, तो डेफिनेट आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि इसका रिजल्ट आता है, राइट। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता ना, तो कोई एजुकेशन इतना लंबे टाइम तक नहीं चलता। और अब तो यूट्यूब पर इतना कॉन्टेंट है कि अगर कोई अभिकस को भी सर्च करे तो इतने सारे डेमो वीडियोज आ जाते हैं, राइट। तो डेफिनेट पहले आप पॉजिटिव हो, रिजल्ट आता है। हाँ, इतना हो सकता है जो मैंने पहले भी बोला है
सभी स्टूडेंट में एक जैसा रिजल्ट नहीं आता, वो आप लोग जानते हैं। हाँ, वो तो हाँ, बस इतना कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो आपका 20 स्टूडेंट का एक बैच है, आपको लग रहा है कि ये 4 स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर सकते हैं। ये ऐसा आप लोग कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट लाने के लिए, बच्चों को एंगेज रखने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज भी कराते हैं क्लासेस के अंदर, राइट। और वैसे तो बच्चों को मेंटल मैथ की प्रिपेयर कैसे करें, बेसिक कैसे कराएं, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही। तो डेफिनेट आप पॉजिटिव रहिए, बच्चों में रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और भी किसी को कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ यस सर, यस सर। सर मुझे एक बात पूछना था, जैसे अपन इसकी मार्केटिंग जो करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए थोड़ा आपका गाइडेंस जरूरी था सर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट सर, मैंने बोला है ना सर, ये पूरा जो बिजनेस है ना वो 3 पिलर पे टिका हुआ है सर। पहला है नॉलेज, जो अभी का आपको मिलेगा। अभी सर लेट ज्वाइन किया था क्या आपने? हाँ थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, एक्चुअली मेरा लिंक तो मिल नहीं रहा था मुझे, मैं जहाँ था वहाँ था नहीं फैसिलिटी। ये मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो बिजनेस है ना सर, 3 चीजों पर टिका हुआ है। बेस्ट क्वालिटी, आप स्टूडेंट को जितना अच्छा क्वालिटी देंगे, उनका एंड गोल अचीव कराने में जितनी हेल्प करेंगे ना, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो पहले तो है नॉलेज, जो आप लोगों को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग का, और आपको वीडियो से मिलेगा। सेकंड चीज है आपका सेटअप। अगर आप ऑफलाइन अपना सेटअप करते हैं तो वो सेटअप कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन सेटअप करते हैं तो कौन कौन से टूल सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करना है, वो नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड स्टेप है मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग आपको दो प्रकार से होगी, पेड मार्केटिंग भी होगा और फ्री मार्केटिंग भी होगी। और उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है हम लोगों ने, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो मैं कम से कम 10 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी जो अपनी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, कि कैसे मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया और अपने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाए। अब वो बात सेकेंड है कि सभी स्ट्रेटेजी सभी सेंटर पर एक जैसा रिजल्ट दे, कभी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर 10 स्ट्रेटेजी में से कोई भी 3 या 4 स्ट्रेटेजी भी आपकी काम कर जाएगी ना, तो आपको रिजल्ट निकाल के दे देगी, राइट। तो मैं आपके साथ 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे बच्चे आपके सेंटर पे आए, राइट। तो हम लोग ट्रेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट आज से आपका लर्निंग का हो रहा है, एक सेशन मेरा होगा जो केवल सेटअप पर होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, और तीसरा हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन होगा, वो प्योर मार्केटिंग के लिए होगा, जो लगभग 2 से 3 घंटे मेरा चलने वाला है सेशन। जी सर, ठीक है। उसमें मैं आपको यहाँ तक सिखाऊंगा कि आप अपने क्रिएटिव डिजाइन्स कैसे बनाएं। एक्चुअली होता है क्या है सर, किसी बच्चे को अबेकस नहीं चाहिए सर, उसको अपना रिजल्ट चाहिए। हम हमारे जो भी एड होता है उसमें ये लिखते हैं, हम आपके बच्चे को संडे टू संडे टीच करके ह्यूमन कैलकुलेटर बना देंगे। अब उन्हें अबेकस नहीं चाहिए, वैदिक वेद नहीं चाहिए, कोई भी आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी नीड को पूरा करना चाहता है। तो एड के अंदर सबसे मेन लाइन ये लिखनी है कि आप यूजर का कौन सा एंड गोल अचीव कराना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे अबेकस ज्ञान में टीचर ट्रेन, जैसे आप टीचर्स आए तो आपने कुछ ऐड देखे होंगे। मैंने वहां लिखा कि आप एक स्कूल टीचर है और आप चाहते सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, आप अपनी बिजनेस को अपनी जॉब को छोड़े बिना एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो आप हमारा इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब आपको अबेकस से मतलब नहीं है, अभी आप जितने लोग आए उनको अबेकस नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए एक ऐसा बिजनेस जो आपको इनकम करने में हेल्प करे। तो ऐसे ही स्टूडेंट को आपको रिजल्ट लाना है, स्टूडेंट की फुटवर्क बढ़ाना है, तो हमारे एंड एड के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैं यूज करूंगा। तो डेफिनेट सर त्रिलोक जी, हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के ऊपर। जी सर, जरूर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। हाँ यस मैम। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। सर एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे बच्चे ना एज वाइज मान लो कोई 7 साल का आया और कोई बच्चा 10 साल का है, तो वो अलग अलग बैच रखना है कि जैसे, या फिर एक साथ ही कंबाइंड उनको सिखाना है? हाँ देखो मैम, ये क्या करता हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम आती है, 2 मेजर प्रॉब्लम आप सभी लोगों के सामने आएगी। पहले तो क्या आएगी, जब आप अपना सेंटर स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले संडे आपको 2 स्टूडेंट आएंगे,
नेक्स्ट संडे फिर वन स्टूडेंट आएगा, थर्ड संडे मालूम पड़ा उसमें तीन में से एक गायब हो गया, दो ही रह गए, नेक्स्ट संडे को फिर चार बच्चे आए। अब आपको अलग अलग दो दो तीन तीन बच्चों की तो बैच बना नहीं सकते, पहली प्रॉब्लम, राइट। तो हमें क्या है, वन मंथ का जो सिलेबस है, चार जो संडे का सिलेबस है, वो ऐसा रखना है। हालांकि मैंने आपको, आप हमारा कोर्स एक्सेस करेंगे तो मैंने एक लेसन प्लान दिया है उसके अंदर, वर्ड के अंदर मैंने ये बताया लेसन प्लान्स के अंदर कि आपको क्लास वन में कौन कौन सा टॉपिक लेना है, लेकिन क्लास टू के अंदर उसको फिर रिपीट करना है, क्लास थ्री में फिर रिपीट करना है, फिर जो बच्चा फोर्थ संडे को आया है आएगा ना, उसको एक दिन पहले बुलाकर मैनेज करना है। एक तो प्रॉब्लम ये है जो सभी को आती है, बर्मत, हाँ एक महीने में तो वो बैच रेडी हो जाता है, आठ से दस बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रॉपर वे में फिर दिक्कत नहीं आती सेकेंड लेवल से। सेकेंड जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी एज के बच्चों को सेम ही बैच में रखा जाए क्या, वैसे तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक छः साल से लेकर आठ साल के बच्चों का बैच अलग बना देते हैं और आठ साल से बड़े बच्चों का बैच अलग बना देते हैं। लेकिन अभी आपके सामने मेजर प्रॉब्लम क्या आएगा कि टोटली आपके पास बच्चे तो लिमिटेड ही आने वाले हैं, तो अब दो बैच कैसे बनाएं। तो आपको करना क्या होता है, आपको कॉमन एक ही बैच रखना है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है ना और आपका बैच स्टार्ट होता है 10 o'clock पर, तो उसे 9:30 पर आप उसे 30 मिनट एक्स्ट्रा बुला लें, राइट, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसको अपने पेजेस भी नहीं कर पाएगा। अभी आपने बच्चों को दिया कि आपको 3 पेज का होमवर्क करना है, बड़े बच्चों ने 3 पेज कर दिया लेकिन छोटा बच्चा 1 पेज भी नहीं कर पाया, राइट। तो आप क्या होगा, उनको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में तो आप चाहे 7+ के ही बच्चों को लेना, 7 साल से छोटे बच्चे मत लेना। हालांकि 7 साल से छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल बुक बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं किडावेकस। दो बुक्स का सेट है किडावेकस का, वो आपको मैं दिखवा देता हूँ, ठीक है ना, अभी सर दिखवा देंगे आपको। तो किडावेकस की हमने एक सेपरेट बुक बनाई है छोटे बच्चों के लिए, राइट। अब ऐसा किया क्यों है वो सुने हम लोग। एक्चुअली क्या है कि हजारों बच्चों को टीच करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम आई थी, वो अपनी किडावेकस की बुक्स लाना सर। तो बेसिकली क्या है कि आपको किडावेकस की बुक उनको स्टार्ट कर देना, आप देख लेना दो क्लास के अंदर के बच्चे के लर्निंग स्टाइल क्या है, स्लो चल रहा है, सीखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उन्हें किडावेकस की बुक कराना। आप किडावेकस की बुक में है क्या, बेसिकली आपने हमारे लेवल वन की बुक देखा होगा, पहले डायरेक्ट है और डायरेक्ट 3-4 पेज में कंप्लीट हो जाता है, फिर स्मॉल प्रिंट स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों के लिए अभी डायरेक्ट सम भी वो प्रॉपर वे में नहीं समझ पाया, उसने वर्क भी कर दिया है, बुक भी फेल हो गई है 4 पेज, अब उसका स्मॉल फ्रेंड आ गया है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये 2 बुक्स है किडावेकस के नाम से, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो ये उन बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस बुक्स की जरूरत नहीं है, आप पहले 7+ के ही स्टूडेंट को लीजिए, फिर आपको लगता है कि इस बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप जब भी बुक्स का ऑर्डर दे तो आप 2 बुक एक्स्ट्रा मंगा लीजिएगा आप, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर हम लोग गाइड भी करते रहेंगे और कुछ दिक्कत आती है तो। हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ और किसी कुछ क्वेश्चंस? हेलो सर। यस सर, राज सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने तो क्लास शुरू किया, ओके, तो मैंने अकेला तो मैनेज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा एक फ्रेंड को थोड़ा सा ट्रेन किया था, ओके। तो वर्ल्ड लेवल ट्रेन करने के बाद उस फ्रेंड ने क्या किया, थोड़ा सा सीखने के बाद वो खुद इंस्टीट्यूट शुरू किया मेरा इधर क्लास छोड़ के। तो ये प्रॉब्लम में दूसरा और किसी को ट्रेनिंग करके मैं ये चालू करूँ तो ये भी मुझे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम रख रहा है, तो इस कैसे सोल्यूशन करूँ? एक्चुअल सर देखो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके पास 100-200 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, तब ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमको टीचर को अपॉइंट करना होता है। इसके बाद फिर उनको टीचर को अपॉइंट करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद वो छोड़ के जा सकता है, और आपके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही आ गया, ओपनिंग में ही, है ना, जबकि मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम आती है जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है। तो देखो एक चीज में सबसे मेरा इंस्टीट्यूट में 40+ स्टूडेंट एडमिशन ऑलरेडी हो गया सर। ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ अब देखो एक्चुअली होता है, देखो क्या होता है कि हमारा पूरा जो बिजनेस है ना वो नॉलेज के ऊपर टिका हुआ है, राइट सर। तो हम लोग क्या किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि आप दूसरा सेंटर ओपन नहीं करेंगे। हाँ
इतना हम लोग कर सकते हैं कि आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, राइट। लेकिन आप हमारी सिटी में या हमारे सेंटर से इतने डिस्टेंस पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वो भी हमारे सेंटर से जॉब छोड़ने के कम 3 या 6 महीने के बाद, राइट। अब होगा क्या कि मोस्ट ऑफ आपके साथ जो टीचर आएंगे, जो आपके साथ पार्टनर बनेंगे ना, वो आपके फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव होंगे। तो हम लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी, यार मैं इससे एग्रीमेंट का कैसे बोलूं, उनको बुरा लगेगा, ये तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, राइट। लेकिन बिजनेस में ये सब चीजें होती हैं सर, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए और एग्रीमेंट में रूल्स लिखा दीजिए, क्योंकि उनके माइंड में जिस समय एग्रीमेंट होगा उस समय वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। उनके माइंड में अपना बिजनेस खोलने का बाद में आता है, जब वो नॉलेज मिल जाता है उसे लगता है कि ये पूरा बिजनेस तो मेरे दम पर ही चल रहा है। ये तो कभी कभी आते हैं बच्चों को, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से काउंसलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही तो मैनेज कर रहा हूँ, ये पूरा बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंड है, तो अब मैं अपना सेंटर अलग खोल लूँ। ये बाद में आता है, जब ज्वाइन करता उस समय माइंड में नहीं आता है, तो उस समय तो वो आपकी सारी शर्तों को मानने को रेडी हो जाते हैं। तो आप वकील से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, राइट। 100 से 200 रुपए में वो एक एफिडेविट बना देते हैं, उसके ऊपर वो सारे रूल्स लिखकर साइन कराकर नोटरी कराकर आप अपने पास रख लीजिएगा, वो एक डर बना रहेगा बस, बाकी का जाने वाले को तो कुछ नहीं कर सकते सर। और सबसे बड़ी बात सुनो सर, एक चीज और, आपको लगता है ना कोई पर्सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको लगता है इस चीज के छोड़ने से आपका बिजनेस इफेक्टिव होगा, राइट, तो डेफिनेट आप उसे अपने से कुछ शेयरिंग दीजिए आप, राइट। उसके साथ कीजिए कि एक काम करते हैं कि ये 2 सेंटर ओपन करते हैं, इस सेंटर में आपका और मेरा 50-50% का पार्टनरशिप होगा, एक काम करो आप अलग सेंटर ओपन मत कीजिए, हम लोग मिलके करते हैं, 2 सेंटर को मैनेज करेंगे, दोनों की कमाई में हमारा 50-50% हो जाएगा। तो डेफिनेट ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें तो आएंगी सर, बाकी का मेरा मैनेज करने का, अब स्टार्टिंग में आप ही स्टार्ट करें, और मेरा मानना है कि 100 स्टूडेंट तक आप ही लोगों के सामने रहें, सारे ऐड में आपका नाम, आपका फोटो, आपका ब्रांड जाना चाहिए, उसके बाद चाहे टीचर ही पढ़ाएं, टीचर पढ़ाने के बाद छोड़ के चले भी जाएंगे ना तो लोग आपको पूछते हुए आएंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर छोटे लेवल पर प्रोडक्ट सेकंड होता है और पर्सन फर्स्ट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, पर्सन फर्स्ट होता है, प्रोडक्ट सेकंड होता है, राइट। अभी देखा होगा अबेकस के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको ललित सर से क्यों लेना था, क्योंकि आपने मेरा फीडबैक देखा, पुराने टीचरों का टेस्टिमोनियल देखा, आपने देखा इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है आपको अपने इंस्टीट्यूट के साथ, अपने कोर्स के साथ, अपनी खुद की भी मार्केटिंग करना है। यू फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड, जब आप ही फर्स्ट हैं लोगों के लिए, आपके बेस पर इस बच्चे को एडमिशन कराया जा रहा है, तो हर एड में आपका फोटो, आपका नाम जाना चाहिए, जिससे कोई भी टीचर बाद में टीच करे तो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक बात सर, यस सर, मैंने ऐसे कोर्स लेने से पहले तो मैंने एडमिशन कराया बच्चा को और सिखाया भी, लेकिन बच्चा को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, मतलब कैसे सर्टिफिकेट दो वो प्रोसेस मुझे नहीं पता है। ओके ओके, देखिए आप एक काम कीजिए कि चलो आपने एक बार बच्चे आ गए इसलिए आपको बता रहा हूँ, अभी इस जगह मैं रिप्लाई नहीं करता आपको, वो हमारा सेकंड सेटअप में जाता है, हमारा सेटअप के अंदर सेटअप कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे करना है, बैच को कैसे मैनेज करना है, क्या टाइमिंग रखनी है, गर्मी में बच्चे धूप में नहीं आते तो कैसे हम लोग टाइमिंग मैनेज करेंगे, ये हमारा सेकेंड सेशन में था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपने पूछा इसलिए बता देता हूँ मैं आपको, कि आप एक काम कीजिएगा, दीपक सर को मैसेज करके एडमिशन फॉर्म ले लीजिएगा, या तो वो हमारा जो ऑनलाइन सेशन है वहाँ पर रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स नाम का फोल्डर है उसमें है लिंक, फिर भी आपको लगता है मिलने में दिक्कत आ रही है तो दीपक सर को मैसेज करके आप एडमिशन फॉर्म ले लीजिएगा, और उस एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा, फिल करने के बाद अपनी फाइल में लगा लीजिएगा, और एक टाइम आप फिक्स रखिएगा, इस टाइम पर आप बच्चों को बुलाना है, तो उसमें सिंपल इतना ही कीजिएगा भी आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर बच्चों का लेवल वन का, जैसे आपको लगे कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, आप दीपक सर को कॉल करके उन बच्चों का लेवल वन, या आपको लगता है कि बार बार कुरियर के चार्जेस कभी कभी क्या होते हैं ज़्यादा लग जाते हैं, तो आप चाहे तो 5 स्टूडेंट आपके पास आ रहा तो 10 बच्चों का किट मंगा लीजिए बुक्स, क्योंकि कुरियर चार्जेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है,
राइट। तो उस केस में क्या होगा, बुक्स आपके पास होंगे, क्योंकि कभी भी आप ऑर्डर दोगे ना तो कितना भी हम लोग कर ले 1 वीक तक लग ही जाता है कुरियर में, तो उनका मंगा लीजिएगा। और फिर आपको लगे कि बच्चे का 2 मंथ कंप्लीट हो गया है, अब उसका 1 मंथ के बाद उन लोगों का लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है, तो उन बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी आप कॉल करके पहले ही मंगा लीजिएगा, ताकि सेशन पूरा होने से पहले उनको मिल जाए। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और किसी की कुछ क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर ये एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि वीडियोस में देखते हैं कि कुछ बच्चे बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं जी सर, तो हम ये जानना चाह रहे थे अपना कोर्स कितना समय तक एक बच्चा कर लेगा लगभग, कि 2 साल कंप्लीट करने पर या उससे पहले ही कि उस स्टेज में पहुंच सकता है एक एवरेज स्टूडेंट। ओके सर, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो पहली बार सभी स्टूडेंट में एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है, राइट। और फिर क्या होता है कि अभी का 2 साल का कोर्स है, तो इससे लंबा हम लोग खींच भी नहीं सकते सर, ठीक है। 2 साल में बच्चा टिक जाए ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, लेकिन 2 साल के अंदर हम लोगों को इतना मेहनत करना है उनके ऊपर, राइट, ताकि जो चीज़ें जिस लेवल में हमें टीच करना है ना, वो बच्चे को आ जाए प्रॉपर वे के अंदर, इम्प्रूव होगा। और जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपके डेमो के लिए तैयार करना है सर। हम लोग जब स्कूल में प्रोजेक्ट लेते थे ना, तो कुछ बच्चों को स्कूल में ले जाते थे, फिर स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों के सामने बच्चों का डेमोस्ट्रेशन होता था। अच्छा सर, दूसरा यार, बच्चे जो अभी का सीख रहे हैं इनका बाकी कैरियर में क्या ग्रोथ में अभी का कुछ ज्यादा योगदान कर पाता है? यस सर, एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि आप, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू काउंसलिंग, आप पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करें, एक 30-35 मिनट का एक वीडियो है, राइट सर। उस वीडियो को आज के सेशन पूरा होने के बाद देखिए कि मैं पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है सर, कि बच्चे को बेनिफिट क्या है, बेनिफिट उसका मैथ अच्छा हो रहा है ये तो सभी जान रहे हैं, राइट सर। लेकिन मैं अपनी काउंसलिंग के अंदर मैथ का ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि अबेकस से बच्चे का होल ब्रेन डेवलप होता है। कैसे होता है वो सुनिए आप, मैंने सॉरी यस सर, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर, बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है। थैंक सर। हाँ, बेसिकली होगा क्या कि आज एक बच्चे को हमने नंबर बोला 6789283 फटाफट फटाफट बच्चे ने फिंगर हिला रहा और आंसर दे रहे हैं। अब आप समझे इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। बच्चों को हम लोग इस प्रकार मोटिवेट करते हैं कि एक बार नंबर बोल दिया ना, रिपीट नहीं करने वाला, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट रखो हमारे क्या बोलने वाला हूँ। मैंने बच्चों से कहा 6, सपोज करो पहला नंबर मेरा 6 था, बच्चे ने उसको सुना तो बच्चे की लिसनिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि 1 सेकंड में डबल डिजिट जा रहा है, तो लिसनिंग पावर बढ़ रही है, उस नंबर को वो लेफ्ट ब्रेन में जाता है और उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने 6 बोला, बच्चों को टूल विजुलाइज हो रहा है, बच्चे ने 6 बनाया और विजुलाइजेशन कहाँ होगा, राइट ब्रेन में होगा। फिर बच्चे ने अपने आप को तैयार किया नेक्स्ट डिजिट को सुनने के लिए, मैंने अगेन डिजिट बोला 3, अब बच्चे ने फिर सुना है, उसको बिट्स में कन्वर्ट किया है, अब पहले 6 माइंड में था, उसको 3 किया, अब 9 हो गया। मैंने कहा -4, अब बच्चे ने -4 किया है, इसका मतलब है उसका लिसनिंग स्किल बढ़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, उसका फोटोग्राफिकल मेमोरी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पिक्चर के फॉर्मेट में उसने टूल विजुलाइज कर रखा है। इस समय बच्चे का ओवरऑल होल ब्रेन डेवलप हो रहा है। जैसे हम लोग शरीर का प्रैक्टिस करते हैं ना, जिम करते हैं, तो हमारी शरीर की मसल्स मजबूत होती है, और अबेकस से ब्रेन की मसल्स मजबूत होती है। ब्रेन जिम है ये, जो ब्रेन का पावर बढ़ाती है। और केवल मैथ ही अच्छा नहीं होता हमारे अबेकस में, तो मल्टीप्लाई डिवीजन तो कर लेगा, लेकिन नहीं, बच्चे का अगर ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो बच्चे क्लास के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, टीचर क्या पढ़ा रहा है वो अच्छे से समझ पाएगा, भीड़ में भी सुन पाएगा, क्योंकि उसका लिसनिंग स्किल, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि बच्चे को ओवरऑल पूरा ब्रेन डेवलप होता है। और आप अपनी काउंसलिंग में होल ब्रेन डेवलपमेंट की ही बात कीजिएगा, राइट सर, तो ये चीजें रखिएगा, इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, तो आज पर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कराते हैं नितिन सर से।
तो बाकी का मुझे आपके साथ केवल 20 मिनट बात करनी थी, तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बाकी का जब मेरा सेशन होगा, जब खुल के और डिस्कस करेंगे, राइट सर? अभी तो मैंने कुछ टीच भी नहीं किया, तब भी 1 घंटे निकल गया, इसलिए मैं अपना सेशन अलग ही लूँगा, जो हो सकता है 3-4 घंटे भी चल जाए। वो जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक अपन सेशन को एंड नहीं करेंगे। ओके, तो मैं नितिन सर को बुलाता हूँ ताकि आपको सेशन को स्टार्ट कर पाए। ओके, थैंक यू।